हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के लेक्चर में हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि सपोज़ कि हमने कोई सैंपल लिया, सैंपल पे हमने यूवी लाइट डाली। यूवी लाइट डालने के बाद सैंपल के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, विच मीन्स कि जो उसका ट्रांसमिटेंस होगा, ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि सैंपल से जो निकलने वाली रेडिएशन होगी वो 100% नहीं होगी। 100% ना होने का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट में एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस व्हेन सैंपल इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो भी हमने सैंपल लिया है उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, मतलब वो बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़ीरो होगा तो ट्रांसमिटेंस 100% होगा। ठीक है, यानी किसी कोई भी मॉलिक्यूल ने उसके अंदर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, विच मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द ट्रांसमिटेंस रेडिएशन। ठीक है, इन सेकेंड केस व्हेन सैंपल इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये, नॉट ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल या उस सैंपल के अंदर क्या हुआ है कि एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब एब्जॉर्प्शन हुआ होगा तो जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी वो ट्रांसमिटेंट रेडिएशन के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ट्रांसमिटेंस 100% से कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जो हमें ये सिग्निफाई करता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेडिएशन ट्रांसमिटेड रेडिएशन से। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्योरी एंड प्रिंसिपल की, कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या थ्योरी है और क्या उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले हम तीन चीज़ों को समझ लेते हैं कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है एन टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन होते हैं, जो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड मतलब वो कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CH4, CH में कार्बन में चार बॉन्ड बनाता है और चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये है कि वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा पाई बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल जो डबल बॉन्ड बनाते हैं या जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल बॉन्ड आते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है एन टाइप ऑफ बॉन्ड, एन टाइप ऑफ बॉन्ड वो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन कंपाउंड के ऊपर कोई भी लॉन पेयर मोइटी होती है। ठीक है, तो वो बनाते हैं एन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब भी कोई यूवी लाइट सैंपल से मूव करेगी, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे जाने का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल जितनी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, मतलब उस मॉलिक्यूल का नेचर डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जिस भी मॉलिक्यूल की या जिस भी कोई भी मॉलिक्यूल जो ज़्यादा एनर्जी दिखाता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली चार तरीके की ट्रांजिशन दिखाई जाती हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब दोनों ही सिग्मा है तो सिग्मा क्या नोटिफाई करता है कि ये ट्रांजिशन वो मॉलिक्यूल दिखाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हमारी जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होती है, जैसे 200 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब सिग्मा टू सिग्मा जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो होती है 150 नैनोमीटर पे, तो ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आता, बट ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो हम इसे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की ट्रांजिशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेनली 150 नैनोमीटर पे शो होती है, मतलब जो ये मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर सैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं ये 150 नैनोमीटर पे दिखा देते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल अपना 200 नैनोमीटर से कम में एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं उन्हें वैक्यूम यूवी रीजन के अंदर बोला जाता है। ठीक है, अब ये मीथेन, प्रोपेन, इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस टाइप का ट्रांजिशन दिखाते हैं। इसके बाद दूसरा ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एन टू सिग्मा बॉन्ड में क्या आता है कि
सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर होते हैं, वो एन टू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, होते हैं सैचुरेटेड है, बट इनके अंदर कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। ये अप्रॉक्स 175 नैनोमीटर के आसपास क्या दिखाते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, कीटोन्स है, वाटर है, अमाइंस है, एल्डिहाइड है। अब इनके पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे वाटर है, वाटर क्या करता है 167 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन दिखाता है, CHCl3 है वो 169 पे दिखाता है, या फिर CH3OH है वो 174 नैनोमीटर पे दिखाता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ पाई टू पाई ट्रांजिशन। अब पाई टू पाई ट्रांजिशन क्या सिग्निफाई करता है, कि ये बनता है डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। इसके अंदर भी हेट्रोकार्बन्स आते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड भी ये वाले ट्रांजिशन दिखाते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन होता है 200 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद है एन टू पाई ट्रांजिशन। एन टू पाई ट्रांजिशन भी क्या है, 200 नैनोमीटर से ज़्यादा वाले कंपाउंड ही दिखाते हैं, और मेनली दिखाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर बेसिकली वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मोइटीज़ होती हैं जो भी किसी भी सैंपल के एब्जॉर्प्शन को इनक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हम मेन सैंपल के साथ इन्हें कोवेलेंटली ज्वाइन कर देते हैं, जो कि उस सैंपल का क्या कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूवी विजुअल रेडिएशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड, कीटोन, इथाइलिन, कार्बोनाइल, इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे पाई टू पाई ट्रांजिशन में दो टाइप के क्रोमोफोर यूज़ होते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। और अगर दूसरे की बात की जाए, जैसे एन पाई ट्रांजिशन है, एन पाई ट्रांजिशन में मेनली कार्बोनाइल या फिर एन डबल बॉन्ड एन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम भी क्या है, कोवेलेंटली कंपाउंड ही होता है, बट ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों अलग है। क्रोमोफोर क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और जो उसकी इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज़ कर देता है। इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है कि जो उसके बैंड बनते हैं वो इजीली शो हो जाते हैं, बट ऑक्सोक्रोम की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई पावर नहीं होती। मतलब अगर हम क्रोमोफोर को यूज़ ना करके डायरेक्टली ऑक्सोक्रोम को यूज़ कर लें तो वो कोई भी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। क्रोमोफोर के साथ हम ऑक्सोक्रोम को यूज़ कर सकते हैं, बट ऑक्सोक्रोम को हम अलोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है, बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 255 नैनोमीटर पे होता है, बट अगर हम उसके साथ NH2 जोड़ दें, NH2 एज अ ऑक्सोक्रोम एंड बेंजीन इज़ अ क्रोमोफोर, ठीक है। अगर NH2 को हम बेंजीन के साथ जोड़ देंगे तो जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो 280 नैनोमीटर पे होगा, ठीक है, यानी कि उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर सबसे पहला आता है एब्जॉर्बिंग कंपाउंड। अब एब्जॉर्बिंग कंपाउंड किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करता है, कि जैसे हमने कोई सैंपल लिया, अब सैंपल में हम कौन सा क्रोमोफोर जोड़ रहे हैं या कौन सा ऑक्सोक्रोम जोड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट की। सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि हम सैंपल लेंगे, सैंपल को हम किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम उसे यूवी में रखेंगे और यूवी के बाद उसमें रेडिएशन पड़ेगी और फिर वो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमें जो सॉल्वेंट चाहिए होगा वो बिल्कुल कैसा चाहिए होगा, इनर्ट चाहिए होगा, जिसकी वजह से हमारे सैंपल के एब्जॉर्प्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। बट कभी कभी सैंपल क्या करता है कि वो अल्टरेशन दिखा देता है, और वो भी क्या शो करने लग जाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे बेंजीन है, CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, तो दीज टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स अल्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर के अंदर क्या है कि वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन दे पाता है। इसके बाद है इनऑर्गेनिक मॉलिटीज़। इनऑर्गेनिक मॉलिटीज़ क्या करती हैं कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। सपोज़ कि कोई सैंपल है और सैंपल के अंदर बहुत सारी इनऑर्गेनिक मॉलिटीज़ प्रेजेंट है, तो वो इनऑर्गेनिक मॉलिटीज़ क्या करेंगी, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगी, ठीक है।